लखीमपुर खीरी की बीरा पंचायत घर पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक कार्यक्रम ग्राम प्रधान अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक कार्यक्रम देखकर ग्रामवासियों ने किया ग्राम प्रधान का धन्यवाद। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीरा ग्राम प्रधान अशोक गुप्ता द्वारा पंचायत घर पर बीरा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीरा थानाध्यक्ष अजय राय ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें क्षेत्र में नेक काम व जागरूकता फैलाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही ट्राई साइकिल का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम से बीरा की जनता में खुशी का माहौल दिखाई दिया। गणमान्य व सम्मानित लोगों ने कहा कि आज बीरा जिला लखीमपुर खीरी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पर पहली बार ऐसा भव्य कार्यक्रम ग्राम प्रधान अशोक गुप्ता द्वारा का आयोजन किया गया। बीरा की जनता ने ग्राम प्रधान अशोक गुप्ता का धन्यवाद किया और साथ ही युवा मोर्चा जिला मंत्री सौरभ अग्रवाल ने भी सरकार की चालू योजनाओं के बारे में बताया और बीरा की जनता को यकीन दिलाया कि बीरा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराने का वादा किया। कार्यक्रम में प्रतिभा करने वाली बच्ची गुलसरोब खान ने अपना गीत प्रस्तुत किया, जिसको ग्राम प्रधान द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही थानाध्यक्ष अजय राय बीरा ने 2000 रुपये देकर सम्मान स्वरूप पुरस्कृत किया। बीरा थाने में तैनात SI रविंद्र यादव ने भी 500 रुपये का सम्मान स्वरूप बच्ची को देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन दीपक अग्रवाल ने बेहद ही खूबसूरती के साथ किया। कार्यक्रम की तारीफ बीरा के आसपास की ग्राम पंचायतों में देखने को मिली। उसके साथ ही बीरा के समस्त प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सहित सभी बैंकों में एवं बीरा कोतवाली में भी ध्वजारोहण कर मिष्ठान वितरण किया गया, जिसकी आम जनमानस में काफी चर्चा होती दिख रही है। BS लाइव न्यूज से मोतीलाल गुप्ता की रिपोर्ट। वंदे मातरम से सारा आसमान बुझा दिया, भेदभाव भूल कर एकत्रित हो आप सबने आज इस प्रांगण को हिंदुस्तान बना दिया। सौरभ अग्रवाल जी, मंच पर आए हुए सम्मानित लोग एवं मेरे सामने आई बैठी हुई सम्मानित जनता, मेरे टीम के सहयोगीगण, मेरे मित्रगण, सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आभार। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे यह अवसर सभी जनता के द्वारा ध्वजारोहण का मौका मुझे दिया गया, मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। 2021 मेरी जिंदगी का यादगार साल रहेगा, जिसमें मैंने बहुत कुछ सोच समझकर